ગુજરાતીમાં એને ખાખરો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। को संस्कृत में केसु के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु में सबसे ज़्यादा खिलने वाला फूल यह फ्लास है। गुजराती भाषा में इन्हें केसुड़ा तरीके पर ओळखवामां आवे छे। केसुड़ाना फूल वसंत ऋतु में सौथी वधारे जोवा मळे छे। फ्लास की ऊंचाई 15 से 20 फुट ऊंची होती है। उसमें पानखर ऋतु में उसके पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल आते हैं। होली का त्यौहार आने वाला है। होली में आप सब केमिकल युक्त रंगों का उपयोग करेंगे, उससे अच्छा ये केसु का फूल उपयोग करिए। उससे आपको शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। नई पीढ़ी केमिकल युक्त रंगों का उपयोग कर रही है। जनरेशन को मेरी ये सजेशन है कि आप होली में केमिकल युक्त रंगों का उपयोग मत करें, ये केसु के फूलों का उपयोग करें। आपके शरीर को भी हानि नहीं पहुंचेगी। आदिवासी भाषा में उसको खाकरो बोलते हैं और हिंदी में उसको फ्लास बोलते हैं। फ्लास के फूलों को पानी में भिगोकर छोटे बच्चों को स्नान कराने से उनकी त्वचा को निखार आता है और ठंडक बढ़ती है। केसुड़े को गर्म पानी में उबालकर उसे स्नान करने से शरीर को ठंडक मिलती है। खाकर ऋतु में उसके पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल यानी केसुड़े खिलते हैं। और सबसे ज़्यादा खिलने वाला यह फूल है पानखर ऋतु में। और हमारे पूर्वज बताते थे समर सीजन में केसुड़े को भिगोकर नहाने से शरीर को ठंडक मिलती है, यानी शरीर में राहत मिलती है, गर्मी कम लगती है। उसके साथ यह बीज लगे हुए हैं। आपको केसु का फूल चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। भारत में हर जगह दिखते हैं यह केसु के फूल। केसु के फूलों की शरबत भी बनाई जाती है, उससे आपके शरीर को ठंडक बढ़ती है और गर्मी कम लगती है। आप भी शरबत बना के केसु के फूलों को पी सकते हो। समर सीजन में ये आयुर्वेदिक काम करता है, बहुत ही अच्छा औषधि है।